समाज के सभी बंधुओं को समाज के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। हम अनुभूति कर सकते हैं उस गौरव की, जिसके लिए अब तक हमने वर्षों से एक जंग छेड़ रखी थी, एक बहुत बड़ी लड़ाई हमने इस प्रारंभ करके उसका आज समापन कर दिया है। उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। आज देखिए, हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय ये, देखिए आज मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले, महान समाज सुधारक, उनके नाम पर और माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर आज राजस्थान सरकार ने और माननीय श्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे निर्णय लिए हैं। उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हमारे बहुत सारे समाज के जो लोग हैं, उन्होंने सीएम साहब को बहुत वर्षों से करते आए हैं। पिछले 4-5 वर्षों से तो हम सक्रिय हैं इसमें, और पूरे भारतवर्ष से ऐसे मेल और पत्र उनको भेजे जाते रहे हैं। देखिए, इसका विषय मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए महान कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन सम्मान देने बाबत, और ये कोई दिनेश माली है, उन्होंने लिखा है। ऐसे पता नहीं कितने माली और कितने सैनी ने ऐसे मेल सीएम साहब को भेजे हैं, और उन्होंने उन सभी का मान रखते हुए, उन सभी की बात का ध्यान में रखते हुए, देखिए ऐसे पत्रों में लिखा क्या था। ऐसा ही पत्र हमने छांटा है, उसमें लिखा है पहला बिंदु उन्होंने जो मांगा है वो क्या है और किसके लिए मांगा, ये हम आपको पढ़कर सुनाने वाले हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि देश में बालिका शिक्षा की अलग जगाने वाली, किसानों, दलितों, पिछड़ों के मैशिया समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ने वाले महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले व प्रथम महिला भारतीय महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले के सम्मान में राजस्थान सरकार कुछ अनुकरणीय कार्य करने की कृपा करें। अनुकरणीय कार्य के सुझाव जो हैं वो ये हैं। प्रथम कार्य था महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले की संयुक्त रूप से देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिले, इसके लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा करने बाबत। द्वितीय जो है वो है प्रत्येक जिले में एक राजकीय विद्यालय का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले व राजकीय बालिका विद्यालय का नाम माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखने बाबत। तृतीय है राजस्थान अंबेडकर भवन की तरह सभी नगर पालिका परिषद निगम क्षेत्र में फूले भवन बनवाने बाबत। महात्मा ज्योतिबा फूले जन्मदिवस 11 अप्रैल को ऐच्छिक अवकाश की जगह पूर्ण अवकाश घोषित करने बाबत। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती 11 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में मनाने का प्रस्ताव पारित करने बाबत। और सष्टम है महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा तस्वीर राज्य के सभी विद्यालयों में महाविद्यालयों में लगाने के आदेश जारी करने बाबत। और सप्तम, सातवां देखिए आप, राजस्थान की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम पर रखने बाबत। और आठवां और अंतिम है सरकारी स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में किसानों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले के नाम रखने बाबत। अब देखिए इन पर क्या क्या कार्रवाई की गई। 17/3 को ये रिसीव्ड है और 18/3/2020 को इनको फॉरवर्ड किया हुआ है। उसके बाद ये 5/3 को ये यहाँ रिसीव्ड हो चुकी थी। देखिए संयुक्त शासन सचिव, सॉरी, ये रिसीव्ड हो गई थी 5/3/2020 को संयुक्त सचिव जीबी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को। उसके बाद 18/3 को इन्होंने रिसीव्ड करके और 547 नंबर पर प्राप्ति क्रमांक इनके चढ़ाए गए थे। इसके बाद देखिए हम आपको बताना चाहते हैं क्या कार्रवाई की गई। उसके बाद देखिए ये पत्र यहाँ से जारी किया गया, ये पत्र जारी किया गया है सरकार यानी कि राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन ग्रुप 6 विभाग। विषय था महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए महान कार्यों को ध्यान में रखते हुए सम्मान देने बाबत
और ये जो बिंदु थे जो इन्होंने इन जो पिछले पत्र में समाज बंधुओं द्वारा सरकार को भेजे गए थे उनमें से कुछ बिंदु इन्होंने संकलित कर दिए, जिनमें निम्न था, निम्न है। प्रत्येक जिले में एक राजकीय विद्यालय का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले और बालिका विद्यालय का नाम माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखने का बाबत। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा तस्वीर राज्य के सभी विद्यालय और महाविद्यालय में लगाने के आदेश जारी करने बाबत। और चौथा था, सॉरी तीसरा था, सरकारी स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में किसानों के लिए व अन्य पिछड़ा वर्ग के से चलाई जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के नाम रखने बाबत। और चौथा है, प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन व 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा करने बाबत। ये चार बिंदु इन्होंने इसमें संकलित कर और ये प्रेषित किए हैं और इनके साथ इनसे आपको मार्गदर्शन या प्रेषित कर इन्होंने ऑर्डर एक आदेश निकाला है। इसके ऊपर इन्होंने जो ये पत्र दिया है स्कूल शिक्षा विभाग, आशा, अर्धशासकीय पत्रांक, टिप्पणी क्रमांक, ये करके इन्होंने शासन सचिव को ये पत्र शिक्षा विभाग में दिया है। संयुक्त सचिव जी भी मुख्यमंत्री के उनके डायरी क्रमांक के हिसाब से इन्होंने डिस्पैच करके दिया है। और देखिए इसके बाद ये महेश चंद्र शर्मा ने ये डिसीजन लिया है, उसके पश्चात देखिए क्या हुआ। उसके पश्चात हम आपको एक लेटर बताना चाहते हैं जिसमें राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 6 विभाग यहाँ से एक पत्र निकला है, निदेशक प्रारंभिक माध्यमिक संस्कृत शिक्षा राजस्थान बीकानेर जयपुर को। और इसमें इन्होंने प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिवस को 3 जनवरी के रूप में महिला शिक्षिका दिवस घोषित करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें RN शर्मा शासन उप सचिव के हस्ताक्षर हैं। इन्होंने एक लेटर जारी किया और ये दोनों पत्र भी इसमें संकलित किए हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि माननीय श्री अशोक गहलोत जी CM साहब ने हमारे लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय लेकर के, ऐतिहासिक निर्णय लेकर के आज कुछ घोषणाएं की है, जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज से कुछ दिनों बाद, हो सकता है कल ही ऐसे आदेश आ जाएं कि आज से प्रत्येक ज़िले में, यानी कि राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में बॉयज़ स्कूल यानी कि बालक विद्यालय जो हैं उनमें प्रत्येक ज़िले में एक विद्यालय का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम होगा और एक विद्यालय जो बालिका विद्यालय होगा जिले में उस विद्यालय का नाम माता सावित्रीबाई फूले के नाम होगा। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। दूसरा सबसे बड़ा निर्णय, इससे भी बड़ा निर्णय जो है वो ये है कि प्रत्येक स्कूल कॉलेज जितने भी थे आपके, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, जितने भी राजकीय और महाविद्यालय और विद्यालय हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा या चित्र और माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा या चित्र लगाना अनिवार्य होगा। ये भी सबसे बड़ा निर्णय है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आप ये देखिए, माता सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका अध्यापिका के जन्म दिवस पर महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाने की सबसे बड़ी ये निर्णय जो लिया गया है ये है। और एक और विशेष ये देखिए, माता सावित्रीबाई जी फूले के जन्म से लेकर के उनके देहांत तक की क्या उनके साथ क्या क्या उन्होंने जो कार्य किए उनके लिए और उनको ऐसी बहुत ही सम्मान देने वाली बात है। उसके साथ माननीय अशोक गहलोत जी ने एक सबसे बड़ा निर्णय ये लिया है, जितने भी पिछड़े वर्ग की योजनाएँ हैं, कृषि से संबंधित योजनाएँ हैं, उन सभी के नाम महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के नाम करने का निर्णय सरकार ने लिया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को इतना शेयर करें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये पहुंचना चाहिए। और हम आने वाली 3 जनवरी को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में माता सावित्रीबाई फूले के सम्मान में और महात्मा ज्योतिबा फूले के सम्मान में इस दिन को और 11 अप्रैल को इतने उत्सव के साथ और इतने उल्लास से मनाएं कि समझ में आए लोगों को कि हम अपने पूर्वजों के लिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे पिछड़े वर्ग के लिए
अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उनके सम्मान में हम भी कम नहीं हैं। कम से कम हम उनको इस विश्वास के साथ और हमारे आने वाली पीढ़ी को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हम भी उनके लिए कुछ ऐसे ही इतिहास छोड़ कर जाएंगे जिनको वो अच्छी सुविधाओं के साथ और अच्छे शिक्षा जगत के साथ अपने जीवन को संवार सके। इसी के साथ आज की वीडियो को हम विराम देते हैं और माननीय अशोक गहलोत जी CM साहब का समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतने अभूतपूर्व निर्णय लिए। वैसे अभी हमारे बहुत सारे जो हमारे आवश्यकताएं थी वो अभी पूरी नहीं हुई है, जो हम चाहते हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों दंपत्ति को जो हमने यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों दंपत्ति को हम यहाँ पर जो सम्मान दिलाना चाहते थे, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के नाम से हम जो दिलाना चाहते थे वो भी पूरा नहीं हुआ है, जो कि भारत सरकार के पक्ष में है। भारत सरकार जो करेगी वहाँ से होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे निर्णय अभी तक नहीं हो पाए हैं, ये भी शीघ्र ही होंगे अगर हम एक रहे तो। मैं संघ की तरफ से, मालवा संघ की ओर से आप सभी से निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने समाज के प्रति एकजुट हो जाइए। जो किसी कार्य को लेकर, किसी की भावना को लेकर, किसी के आपसी द्वेषता को लेकर बिछड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कृपया करके इस बात को छोड़िए और समाज की एकता के साथ एक स्वर में उठिए। और जैसे कि राजस्थान में जो निर्णय आए हैं, अन्य राज्यों में भी ऐसे ही निर्णय आए ताकि केंद्र सरकार को ये ज्ञात हो जाए कि समाज और पिछड़ा वर्ग कमज़ोर नहीं है, हम भी हमारे अधिकारों को लेने में सक्षम हैं और आपको हमारे अधिकार देने होंगे। इन्हीं अधिकारों को पाने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। जैसा राजस्थान सरकार ने बहुत अभूतपूर्व निर्णय लेकर हमें अनुग्रहित किया है, वैसे बाकी राज्य भी इस ओर अग्रसित हों और बहुत ही कम समय में, बहुत ही शीघ्र हम अगर एकजुटता के साथ इस कार्य को करते रहे तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे दोनों दंपति, हमारे पूर्वज भारत रत्न के इस अवार्ड से सम्मानित होंगे। उस दिन हमारा माली समाज, हमारा सैनी समाज गौरवान्वित होगा और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन दोनों विभूतियों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। और हमें आपसे फिर करबद्ध निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ये भी आपके समाज के लिए एक सेवा होगी, इस समाज का उत्थान के लिए होगी। हम भी माँ सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के पदचिन्हों पर अग्रसित हैं और समाज सेवा के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। इसके वीडियो हमें हमारे इस चैनल में आपको मिल जाएंगे जिसमें माली समाज की सेवा कैसे करें, संघ में आय कैसे होगी और समाज सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, और बच्चों के लिए एक स्टूडेंट मोटिवेशन प्रोग्राम का वीडियो है। ये सब वीडियो आप एक बार देखें और बताएं कि वो वीडियो कैसे हैं, हम समाज में जो कार्य करना चाहते हैं क्या वो सही हैं या उनमें क्या सुधार हम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हमें बताएं और एकजुट होकर के 3 जनवरी की तैयारी करें और दोनों दंपतियों को भारत रत्न दिलाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमने संघ ने यह निर्णय लिया था और इसके लिए हम कटिबद्ध रहेंगे कि जिस चैनल से अगर कोई संपत्ति या कोई राशि हम अर्जित कर पाते हैं तो वो सब कुछ समाज के हित के लिए उपयोग में ली जाएगी, किसी का व्यक्तिगत इसमें कोई हिस्सा या भाग नहीं होगा, सब कुछ समाज को समर्पित है। इसी के साथ जय फूले, जय ज्योति, जय क्रांति।